देखिए बिल्कुल ये आपकी बात सच है। अभी हम विंटर की तरफ अभी बढ़ रहा है तो ठंड तो नेचुरली होगा, लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर अभी मौसम फिर भी ओवरऑल जो है ठीक रहा है नवंबर के, एक्सेप्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के स्नोफॉल को छोड़ के। इसके बाद अमूमन वेदर ओवरऑल ठीक ही रहा है जम्मू कश्मीर में। तो अभी ये है कि अभी आने वाले दिनों में भी कोई खास कोई एडवर्स वेदर नहीं है, मौसम ठीक ही खुशक रहने का इम्कान है। बल्कि हाँ 8 के शाम और 9 के बीच में पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ होने का संभावना है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि तकरीबन तकरीबन 15 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक ही रहने का इम्कान है। हाँ बीच में बारह 13 कभी कभी बादल भी छाए रहेंगे, बीच बीच में हल्की बर्फ भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल मौसम ठीक रहेगा। जहां तक दर्ज हरारत की बात करें तो दिन में तो ठीक ही रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो खास करके कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन में तो बिलो फ्रीजिंग लेवल, यानी पूरा माइनस में -2-3 के आसपास ही मतलब अभी जा रहा है। और सबसे कोल्डेस्ट जो है हम इस वक्त जो है हमारे रियासत में द्रास है, जहाँ की कल जो है कम से कम दर्ज हरारत -14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और इससे और कम होने का संभावना है। और लेह करगिल में -8-9 के आसपास ही जा रहा तो कब इस ठंड से राहत हमें है। मिलेगी? राहत अभी ठंड से देखो, अभी तो ठंड रहेगा और ठंड बढ़ेगा, अब कम नहीं होगा। और आहिस्ता आहिस्ता और ठंड में और खास करके मिनिमम टेम्परेचर यानी न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ जाएगी।